नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी पर आदित्य का शॉकिंग बयान। क्या नेहा ने अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड आदित्य को नहीं दिया? क्या आदित्य है नेहा से नाराज? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नेहा कक्कड़ को जहां उनका हमसफर मिल गया है रोहन प्रीत में और दोनों की कुछ ही दिनों में शादी भी होने वाली है, वहीं नेहा के करीबी दोस्त आदित्य नारायण नेहा की शादी की खबर से काफी शॉक्ड हैं। आदित्य ने नेहा की शादी को लेकर बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू देते हुए कहा, वो सच में शादी कर रही है क्या? मुझे तो कोई इन्विटेशन नहीं मिला इस सो कॉल्ड शादी का। ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि वो रोहन से कुछ वक्त पहले ही अपने वीडियो शूट के दौरान मिली है। क्या ये मुमकिन है कि आप किसी से एक महीने पहले मिले और एक महीने में आप उससे शादी कर लें? ना तो नेहा और ना ही उनके मंगेतर ने इसे लेकर कोई बयान दिया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उम्मीद है ये शादी सच में हो रही हो, क्योंकि दोनों की तरफ से ऐसे वीडियो शेयर कर कोई शादी की अफवाहों को क्यों बढ़ावा देगा। हालांकि मुझे शादी का कोई न्योता नहीं मिला है, इसलिए मैं उनकी शादी अटेंड नहीं करूंगा। आपको बता दें, इससे पहले आदित्य ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते वक्त खुद नेहा की शादी की खबर को कंफर्म किया था और ये तक कहा था कि उनकी शादी दिल्ली में हो रही है, लेकिन वो कंधे में चोट लगने की वजह से शादी में नहीं जा पाएंगे। तो क्या लगता है आपको इस मामले में, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी की सारी खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।